तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर हो जाए। सबसे मेन बात ये है, बाकी सब चीज़ें तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा ही। ये पहले 1 मिनट में मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा फॉर्म के बारे में, और आपको लास्ट के 2-3 मिनट में आपको बताऊंगा कि कौन सा जोन आपके लिए बढ़िया रहेगा अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट होना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 713 पोस्ट आई हैं, ग्रेड पे एम्स के बराबर है, सैलरी वही है, अच्छी खासी सैलरी है। सबसे मेन बात जो है यहाँ पे कि आपको ये चीज़ दिख रही होगी कि कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली वन RRB एंड इंडिकेट देयर प्रेफरेंस फॉर द रेलवे जोन। मतलब आप एक ही जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। मल्टीपल से भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और डिबार्ड हो जाएंगे आप रेलवे से, कभी भी आप दोबारा फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सिर्फ एक ही जोन सिलेक्ट करना है, और कौन सा जोन सिलेक्ट करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 30 नॉन नर्सिंग के आएंगे, 70 नर्सिंग के आएंगे। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अर्थमेटिक है, और साथ में जनरल साइंस है, जो 10th 12th तक की साइंस है, जो जनरल वो आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि फॉर्म की फीस कितनी रहेगी और कौन कौन से जोन है, ये 21 जोन्स हैं, इनके बीच में से भी कुछ ही जोन्स की यहाँ पे वैकेंसी आई है। 2-3 जोन्स ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी बिल्कुल नहीं आई, जैसे कि चंडीगढ़ है और त्रिवेंद्रपुरम है, यहाँ की वैकेंसी अभी नहीं आई है और ना ही ऐड होने की कोई संभावना है अभी तो, क्योंकि अगर फॉर्म भरने से पहले वो नहीं दे रहे तो बाद में कैसे ऐड करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आपको GNM हो, BSc नर्सिंग हो, सिर्फ आपके पास RN नंबर जरूरी है, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले कि कौन से जोन से आपको फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले अहमदाबाद में जो वैकेंसीज हैं वो 20 हैं, और अगर आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि घर से दूर नौकरी करना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। आपके 30 से 40 हज़ार रुपये आने जाने में महीने के, और वहाँ पे रहने में चले जाते हैं। तो अगर आप गुजरात से हैं तो अहमदाबाद से फॉर्म भरें, अगर आप यूपी से हैं तो आपके बहुत ज़्यादा मज़े हैं, क्योंकि प्रयागराज भी है और गोरखपुर भी है, और साथ में और भी 2-3 जोन्स हैं जो कि यूपी के हैं, वहाँ पर ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 14, 21, 22, यहाँ पे 22 वैकेंसी टोटल प्रयागराज से हैं। उसके बाद अजमेर से सिर्फ 3 वैकेंसीज हैं, अजमेर की वैकेंसीज जो 3 हैं। अगर राजस्थान से अगर हैं, अजमेर से भर रहे हैं, अगर आप टॉपर हैं तो ही आप अजमेर से फॉर्म भरें, या फिर आप पहले से सिलेक्टेड और RRB अजमेर में जाना चाहते हैं। बेंगलोर में वैकेंसी सिर्फ 25 हैं, उसके बाद भोपाल में वैकेंसी सिर्फ 11 और 7 18 हैं। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो कोई भी वैकेंसी नहीं है। अगर बात करें बिलासपुर की तो जो हरियाणा पंजाब के जो बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, वो बिलासपुर भी चूज़ कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। यूपी वालों के पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप हरियाणा पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको यूपी सबसे नज़दीक पड़ेगा, तो यूपी आपको भरना सही रहेगा। बेंगलोर के लिए 25 हैं, भोपाल के लिए 18 हैं। वहीं पर अगर बात करें भुवनेश्वर के लिए, यहाँ पर वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर के लिए जो वैकेंसीज हैं, भुवनेश्वर के लिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसी है वहाँ पे है हमारी 5 टोटल। उसके बाद बिलासपुर के लिए आपको मैंने बताया कि 13 और 13 26 वैकेंसीज हैं। वहीं पे चेन्नई के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, 58 हैं। वहीं पे अगर हम बात करें गोरखपुर की तो 73 वैकेंसीज हैं नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, यानी नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि एक पोस्ट का नाम है यहाँ पे। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट इज इक्वल टू नर्सिंग ऑफिसर इन RRB। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो गुवाहाटी की, अगर आप हैं यूपी से तो आप गोरखपुर से आप फॉर्म भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। गोरखपुर या प्रयागराज से भर दें, जो भी आपके नज़दीक पड़ता है। और अगर हरियाणा पंजाब राजस्थान से हैं तो भी आप गोरखपुर से फॉर्म भर सकते हैं, प्रयागराज से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यूपी हमारे सबसे नज़दीक पड़ता है इस साइड के जो स्टेट्स हैं उनके लिए। उसके बाद गुवाहाटी की है जो 52 है, इतनी दूर जाना मुश्किल रहेगा। अगर हम नॉर्थन इंडिया की बात करें या फिर साउथ वालों की बात करें तो उनके लिए गुवाहाटी जाना मुश्किल रहेगा, वो बहुत दूर पड़ता है आपको पता ही है, तो वो ईस्टर्न साइड है, तो ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की वैकेंसी यहाँ पे है, 2, 3 और 4 वैकेंसी टोटल है जम्मू एंड कश्मीर में RRB की। उसके बाद कोलकाता में बहुत अच्छी वैकेंसीज है, कोलकाता में 100 से ज़्यादा वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की, जिसमें मेट्रो भी रहेगा, ESER सब है ये। तो कुल मिलाकर अगर आप कोलकाता की साइड से हैं तो आप कोलकाता भर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप जिस भी जोन से आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपके घर के नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूर सिलेक्शन ले लेंगे आप, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, चाहे सीटें कम है चाहे ज़्यादा है।
हो सके तो अपने घर के विदिन 1000 किलोमीटर, विदिन 500 किलोमीटर या फिर विदिन 100 किलोमीटर अगर आपका कोशिश रहे तो वो वाला जोन आप सिलेक्ट करना। जैसे गोरखपुर मेरे से सिर्फ 500 से 700 किलोमीटर है तो मैं गोरखपुर भरने वाला हूँ, तो गोरखपुर मेरे लिए यूपी में सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद है मालदा, मालदा में यहाँ पे 22 वैकेंसीज है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की। मुंबई में अच्छी वैकेंसीज आई हैं, 100+ वैकेंसीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फर में भी 10 वैकेंसीज आई हैं, ये भी आप देख सकते हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। पटना में 23 वैकेंसी आई है टोटल। वहीं पे अगर हम बात करें रांची में तो यहाँ पे 23 वैकेंसीज आई हैं। और अगर हम बात करें सिकंदराबाद की तो यहाँ पे हमारी वैकेंसीज का नंबर है 54। वहीं पे सिलीगुड़ी में हमारी जो वैकेंसीज का नंबर है वो है 15। तो आपको फॉर्म भरने से पहले ये चीज ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस जोन से फॉर्म भर रहे हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैं जो प्रेफर करूंगा वो है कि आपकी लोकेशन आपके घर के नजदीक होनी चाहिए, अदरवाइज आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप दूर चले जाते हैं, दूर आपकी वैकेंसी सिलेक्ट हो जाते हैं कहीं पे भी, तो घर पे आने जाने में और घर से दूर होने में बहुत ज्यादा आपको मुश्किलें पेश आ सकती है। इसलिए अपने घर के आसपास का ही भरें, चाहे वैकेंसी कितनी भी है। अगर आप ज्यादा वैकेंसीज के चक्कर में दूर भर देंगे तो आप, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो ना हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये भी नहीं पता कि यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग किसने कितने कहाँ पे कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं किस जोन में, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ बनेगी। कहीं पे कट ऑफ यहाँ पे 50 रहेगी तो कहीं पे 75 भी रहेगी, ऐसा फर्क रहेगा। तो उसके लिए भी आपको ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि आप कौन से जोन से अपना सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा जोन आप सिलेक्ट कर रहे हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलते रहेंगे।